टू माई चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से ऑर्डर किए हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स मीशो से भी। सो पहला प्रोडक्ट है ये स्पैचुला का सेट। ये नॉन स्टिक स्पैचुला का सेट है विद वुडन हैंडल्स। ये मैंने ग्रे कलर में ऑर्डर किया था। इसमें काफ़ी और कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि वाइट, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बट मैंने वो अवॉइड किया क्योंकि वो कुछ बार येलोइश हो जाता है। इसमें तीन स्पैचुलाज हैं, वन फॉर आमलेट, सांभर एंड डोसा। इन केस हम डोसा बनाते हैं देन नॉर्मल स्पैचुलाज से नॉनस्टिक तवा ख़राब हो जाता है। मेरे काफ़ी नॉनस्टिक तवे ख़राब हो चुके हैं, सो आई थॉट लेट्स गो फॉर दीज नॉनस्टिक स्पैचुलाज। ये काफ़ी स्टर्डी हैं एंड ईजी टू होल्ड ऑफ भी हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये नाइफ। ये काफ़ी क्यूट सा नाइफ है। ये कवर के साथ आता है, सो इट्स वेरी सेफ टू स्टोर इट एनीवेयर। ये नाइफ मुझे काफ़ी परफेक्ट साइज़ का लगा। नाइफ तो मेरे पास काफ़ी हैं, कुछ या तो बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े। ये यूज़ करने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी ग्रिप इज़ ऑल्सो टू गुड। अब मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ एक इलेक्ट्रिक चॉपर। ये मेरी लिस्ट में काफ़ी टाइम से था बट आई ऑलवेज एंडेड अप अवॉइडिंग इट। मैं काफ़ी डिलेमा में थी इसे खरीदने से पहले। इसकी पैकेजिंग एज इन किसी भी आउटर बॉक्स में नहीं थी। मैंने कुछ टाइम पहले मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर किया था अमेजोन से, डैट वॉज ऑल्सो नॉट बीन पैक। आई थिंक इलेक्ट्रिक आइटम्स को अमेजोन किसी भी आउटर पैकिंग में पैक नहीं करता है। वेजिटेबल्स को आप हाथ से तो कट कर लेते हो बट दे आर यूजुअली एंड अप इन अनइवन साइजेस और लार्ज साइजेस। स्पेशली जब हम उत्पम बनाते हैं तो वी प्रिफर कि वेजिटेबल्स काफ़ी छोटी चॉप्ड हो। मेरे पास पहले से ही एक मैनुअल चॉपर था बट दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। इसमें आप वेजिटेबल्स को किसी भी साइज में कट कर सकते हो, स्मॉल, लार्ज और मीडियम। ये इनाल्सा कंपनी का है। यूज़ करते टाइम आई कुड फील कि इसकी मोटर भी काफ़ी पावरफुल है। इसे बस आपको इजीली प्रेस करना है एंड यू आर डन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्टेनलेस स्टील टी स्ट्रेनर। ये प्रोडक्ट बहुत ही छोटा है साइज़ में बट बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। जब हम छोले बनाते हैं देन एट दैट टाइम हम किसी कपड़े का यूज़ करते हैं चाय पत्ती बांधने के लिए, बट रेगुलर यूज़ के बाद वो कपड़ा काफ़ी डिसकलर्ड हो जाता है और ख़राब हो जाता है। उस टाइम पे हम इस टी स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं। ये स्टील का है एंड काफ़ी चीप है। ये प्रोडक्ट मैंने मीशो से ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं टी बिल्कुल भी डिस्पर्स नहीं हुई है, इसी प्रोडक्ट के अंदर ही है। नेक्स्ट आइटम है ये प्लास्टिक रैप डिस्पेंसर विद कटर। ये प्रोडक्ट आजकल काफ़ी इन है एंड यूज़फुल भी है। ये एक ऑर्गेनाइज़र टाइप प्रोडक्ट है। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी। इसमें आप एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक रैप एंड पेपर रैप रख सकते हो एंड ईजिली कट कर सकते हो। मेरे काउंटर टॉप पर काफ़ी कम स्पेस है एंड ये रैप इधर उधर भी पड़े रहते हैं एंड नॉर्मली फॉइल पेपर यूज़ करते वक्त कभी कभी उसका कटर निकल जाता है या फिर वो अनइवन कट होते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है बट इट्स वर्थ इट। काफ़ी स्लीक है एंड कॉम्पैक्ट लुक है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वाज लुकिंग फॉर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक वार्डरोब ऑर्गेनाइजर है फॉर क्लोथ स्टोरेज। ये कोलैप्स हो जाता है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर देम एज दे आर। आफ्टर टी स्ट्रेनर दिस इज़ माई सेकेंड प्रोडक्ट विच आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो। इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है बट मीशो पे ये काफ़ी चीप है। इसमें कपड़े काफ़ी इजीली विजिबल हो जाते हैं और उनको निकालना भी इजी है।
मेरा वार्डरोब मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी मेसी होता है एज़ यू कैन सी। इसको आप इजीली पुल आउट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच प्रोडक्ट यू लाइक द मोस्ट। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।